एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सबके? होप यू गाइस आर डूइंग रियली वेल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। ये जो मैं इतनी तैयार हूँ आज, रीजन ये है कि मेरे घर है आज दावत। मैंने पिछले व्लॉग में आप लोगों को बताया था। खैर, तैयारी तो मेरी कल रात से ही चल रही थी, लेकिन अभी मुझे याद आया कि मैंने वीडियो का इंट्रो तो शूट किया ही नहीं, तो इसलिए मैं आ गई आप लोगों को हेलो हाय करने के लिए। कल रात से ही मैं तैयारी कर रही हूँ और छोटे छोटे क्लिप्स आप लोगों के लिए बनाए हैं। प्रॉपरली ट्राईपॉड लगा के शूट नहीं कर पाई, लेकिन थोड़े बहुत क्लिप जो मैंने आप लोगों के लिए बनाए वो आप लोगों के साथ अभी शेयर करती हूँ और उसके बाद व्लॉग यहाँ से कंटिन्यू करती हूँ। सो मैंने तैयारी शुरू कर दी है। यहाँ मैंने चढ़ा दिया है मिल्क। मैं यहाँ पे दूध दुलारी स्टार्ट कर रही हूँ बनाने के लिए। सबसे पहले मीठा बना के रखेंगे ताकि वो कल तक अच्छे से ठंडा हो जाए। के साथ साथ मैंने यहाँ पे गोश्त निकाल के रख दिया है, अभी इसको वॉश करना है। ये डिफ्रॉस्ट हुआ है इसलिए अभी इसको वॉश करना है प्रॉपरली। यहाँ पे मैंने चिकन वॉश करके रखी है, यहाँ पे जेली बना के रख दी है, तो सारी चीज़ें जो हैं वो एक साथ चल रही हैं। यहाँ पर मैंने जो ड्राई फ्रूट्स हैं उन्हें भिगो के रख दिया है, फिर मैं इनको जब ये सोक्ड हो जाएंगे अच्छे से तो छीलूँगी और छील के काट के रखूँगी दूध दुलारी के लिए। यहाँ पे मैंने कुकर में चढ़ाया हुआ है अभी आज रात का खाना, मिक्स दाल बनाई है, तो ये वो है। हल्का हल्का सा धुआं निकल रहा है दूध का, मैं इसी वक्त इसको डाल दूंगी। और इस वक्त ना मेरा ट्राईपॉड मेरे पास नहीं है इसलिए मैं प्रॉपरली शूट नहीं कर पा रही, वरना मैं आप लोगों को दिखाती कि मैं इसको डालती जाती हूँ और हिलाती जाती हूँ। अब मुझे जो है ना इसको पहले डालना पड़ रहा है और फिर इसको मैं हिला रही हूँ, और अब जब तक इसका बॉयल आएगा ना तब तक ये अच्छे से पक जाएगा और जो थोड़ा कच्चा कच्चा जायका सा होता है कॉर्नफ्लोर का वो अच्छे से निकल जाएगा। और मुझे इस स्टाइल से कस्टर्ड इसलिए बनाना पड़ता है क्योंकि ये वाले जो मिल्क होते हैं ना, जो ये यहाँ बाहर बॉटल्स में मिल्क मिलते हैं, इनके साथ कस्टर्ड बनाने में प्रॉब्लम आता है, सही से कस्टर्ड नहीं बन पाता इसलिए। अच्छा, मैंने चीनी जो डाली है वो पूरी इसके अंदर हाफ कप डाली है। सो अब मैं इसको डाल के हल्के हल्के से डिसॉल्व करती रहूँगी, मीडियम हीट पे इसको पकाती रहूँगी। कस्टर्ड मेरा रेडी हो गया है, इसको मैंने निकाल लिया है। अभी इसके अंदर क्रीम भी जाएगी और फिर जब ये ठंडा होगा तो ये गाढ़ा हो जाएगा और फ्रूट्स वगैरह भी जाएंगे। ये है फ्रेश सिंगल क्रीम जो मैंने इसके अंदर ऐड करनी है, अभी मैं वो ऐड करूँगी और फिर मैं इसको ठंडा होने के लिए रख दूंगी और फिर कल इसके अंदर बाकी चीज़ें डालेंगी। अच्छा हाँ, एक और चीज़ है, ये जो कलरफुल सेवैयाँ होती हैं, कलरफुल नूडल्स जो भी बोलें, ये भी मैंने बॉईल करके रख लिए हैं, ये भी अभी इसके अंदर डल जाएंगे और फिर ये फ्रिज के अंदर चला जाएगा। यहाँ मेरी कढ़ाई चढ़ गई है, इसको मैं हाफ टर्न करके रख लूँगी। मैंने इसमें चिकन डाली, अदरक लहसुन डाला, उसके बाद मसाला डाल के पहले उसको भून लिया और अब मैंने इसके अंदर टमाटर डाले हैं। मैंने पहले मसाले को अच्छे से भून लेती हूँ, जब ऑयल और मसाला अलग हो जाता है तब टमाटर डालती हूँ। सब ये मैंने डाल दिए हैं, ये हो जाएगा, इसको ढक लेते हैं। यहाँ मेरे पुलाव की यखनी चढ़ी हुई है मज़ेदार सी और यहाँ पे यखनी है। अब ये चीज़ें हो गई, मीठा मैंने ऑलमोस्ट आधा डन करके फ्रिज में रख दिया है, कढ़ाई हो गई, पुलाव हो गया, अब मैंने कल सीख कबाब करने हैं एंड आलू गोश बनाना है एंड कढ़ाई और पुलाव को फाइनल करना है। हाँ, चिकन कुजोन्स और फ्राइज भी बनाने हैं, तो वो सब कल के लिए है। फ़िलहाल किचन का मेरा हाल से बेहाल हुआ हुआ है, किचन को थोड़ा समेट लेती हूँ। हेलो एवरीवन, रात को बस कढ़ाई, पुलाव, यखनी और मीठा बना के मैंने फ्रिज में रख दिया था, फिर हम सो गए। अब सुबह का टाइम है, बस बेड वेड बनाऊंगी और जल्दी से हस्बैंड को नाश्ता देंगे क्योंकि जो रोज़ के काम है वो तो हैं ही, उसके साथ प्रिपरेशन भी करनी है, हूवर चलाना है, मॉप करना है, इसके अलावा वॉशरूम को क्लीन करना है, इसके अलावा खाना कंप्लीट करना है, टेबल सेट करनी है, तो बस लगते हैं काम पे। हस्बैंड को नाश्ता दिया, उसके बर्तन वगैरह वॉश किए, उसके बाद फिर मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करी और सबसे पहले मैंने करी डस्टिंग। वैसे तो हर 15 डेज में बहुत थरली डीप डस्टिंग मैं करती हूँ एक एक चीज़ हटा के, बट क्योंकि आज गेस्ट्स ने आना था इसलिए मैंने फिर ऊपर ऊपर से अच्छे से वाइप आउट कर दिया। कोई ख़ास वैसे डस्ट थी नहीं, बस मैंने ऐसे खुद को तसल्ली देने के लिए अच्छे से पूरे घर में हर जगह वाइप से
डस्टिंग कर ली थी, और हस्बैंड जो है वो साथ साथ हूवर मार रहे थे पूरे घर में, यानी कि वैक्यूम क्लीनर। तो बस हम दोनों ने मिलके अपनी ड्यूटीज डिस्ट्रीब्यूट कर ली थी आज की। मैं जिस कमरे की डस्टिंग करती जा रही थी वो वहाँ पीछे पीछे हूवर कर रहे थे। ऐसे ही मिल बांट के काम हो जाता है। वैसे मोस्टली जब दावतें वगैरह होती हैं क्लीनिंग का काम भी मैं ही कर रही होती हूँ, लेकिन आज वीकेंड था और कुकिंग का काम बहुत ज्यादा था, तो इसलिए हस्बैंड ने फिर मेरी हेल्प कर दी। सो नाइस ऑफ हिम। डस्टिंग से फ्री होने के बाद फिर मैं अपने कपड़े आयरन करने बैठ गई थी, क्योंकि मुझे पता था एक बार मैं किचन में गई और मैंने कुकिंग स्टार्ट की ना, उसके बाद मुझे टाइम ही नहीं मिलेगा और याद भी नहीं रहेगा, बिल्कुल एंड टाइम पे याद आएगा कि कपड़े प्रेस नहीं है। इसलिए मैं इस तरह की सारी चीजें जो है ना वो पहले से ही मैनेज करके फिर एक बार किचन में जाती हूँ, ताकि फिर मैं जाऊँ ना तो एक ही फ्लो में सारे काम खत्म कर लूँ। और जो ये आयरन है ना, इसका भी बड़ा मसला है, मुझे बहुत अच्छी क्रीज और बहुत ही नीट एंड क्लीन आयरन अच्छी लगती है। मुझे कपड़े आयरन करने में काफ़ी टाइम लग जाता है, क्योंकि मैं एक एक सिलवट को बिठा के और प्रॉपरली गले पे और स्लीव्स पे पूरी क्रीज बना के करती हूँ। और यही वजह है कि मैं इतनी पुरानी स्टाइल की अपने साथ आयरन रखती हूँ, क्योंकि जो क्रीज ये आयरन देती है ना, वो कोई भी आजकल की अच्छी आयरन हो वो क्रीज नहीं दे पाती। कुछ चीज़ों में ना ओल्ड इज गोल्ड। मेरी आयरन चल रही थी यहाँ पे और हस्बैंड गैप ले लेके होवर कर रहे थे, थोड़ा सुस्ता आके, बट फिर भी उन्होंने मेरी बहुत हेल्प करी। फिलहाल अपडेट ये है कि कढ़ाई गोश्त मैंने पूरा कंप्लीट कर दिया है, इसमें हरा मसाला डाल के इसको ढक के रख दिया है ताकि हरे मसाले की खुशबू आ जाए। और यहाँ पे पुलाव की बोटियाँ मैंने अलग से निकाल ली हैं और यहाँ पे यखनी है। फिलहाल मैं पुलाव के लिए प्याज काट के रख रही हूँ, और साथ में मैंने मीठे के लिए पिस्ता और बादाम जो भिगो के रखे थे उनको अच्छे से फाइन चॉप कर दिया है। एंड घर की सिचुएशन काफ़ी हद तक सॉर्टेड हो गई है। हमने सिटिंग अरेंजमेंट कुछ ऐसे कर दिया, और ये सोफे का ये छोड़ दें, ये तो एंड टाइम पे ही होगा क्योंकि हम बैठ बैठ रहे हैं इसलिए, लेकिन सिटिंग अरेंजमेंट हमने कुछ इस तरीके से कर दिया है। लोग ज़्यादा आ रहे हैं इसलिए टेबल पे यहाँ पे सब कुछ सर्व कर देंगे और बाकी सब अपनी प्लेट्स ले लेके बैठ जाएं जिसको जहाँ बैठना है। मॉपिंग एंड हूवर हो चुका है, घर साफ है, बस अब मैं कुकिंग पे लगूंगी। और हस्बैंड वॉशरूम को क्लीन कर रहे हैं, आज हस्बैंड बहुत ज़्यादा मेरी हेल्प कर रहे हैं, क्लीनिंग वगैरह का सारा काम उन्होंने ही किया है। अभी मैंने सीख कबाब भी बनाने हैं, चिकन एंड चिप्स भी बनाने हैं, एंड मीठा भी फाइनल करना है। सो बस अब मैं जल्दी जल्दी काम कर रही हूँ। हाँ जी, तो बीच में मैं काम में लग गई बहुत ज़्यादा और आप लोगों से बात नहीं कर पाई क्योंकि बहुत सारा काम था, और अभी मैं इतनी एक्सपर्ट नहीं हुई कि साथ साथ रिकॉर्ड भी करूँ और बनाऊँ भी, बट आपको अपडेट दे देती हूँ। ये मेरी कढ़ाई रेडी हो गई है और यहाँ मेरा आलू गोश एकदम रेडी हो गया है। यहाँ मैंने पुलाव दम पे लगा दिया है और 5 बज रहे हैं इस वक्त और हमने 6 बजे का उन्हें टाइम दिया है। सो बस जितनी देर में कम से कम 30 मिनट्स के लिए मैं दम भी रखती हूँ, तो ये यहाँ पे हो रहा है। यहाँ पे मैं अपने फ्रायर में चिकन को जो है, जो कोटेड चिकन है, उसको एयर फ्राई कर रही हूँ। ये हो जाएगी तो फिर मैं फ्राइज़ करूँगी। सीख कबाब मुझे फ्राई करने हैं अभी, मीठा मैंने तैयार करके रख दिया है, बस सर्व करते हुए उसके ऊपर ये गार्निशिंग करनी है। जो जो बर्तन मुझे चाहिए वो मैंने यहाँ निकाल के रख लिए हैं। और ये मेरे टेबल का सेटअप है, यहाँ सारी प्लेट्स रख दी हैं, यहाँ मैंने रख दिए हैं फॉक एंड स्पून वगैरह, यहाँ पे मैंने ये ग्रीन चटनी बनाई है वो है, ये केचप है, ये रायता है, इसके अंदर मेरे चिकन एंड फ्राइज आ जाएंगे, मैंने सैलड बना ली है, इसके अंदर मेरे सीख कबाब आ जाएंगे, ये भी प्लेटर मैंने तैयार करके रख लिया है, इसमें हम रोटी रख लेंगे, यहाँ पे ग्लासेस हैं, इसमें पानी आ जाएगा, फ्लावर्स हैं, टिश्यूज़ हैं, और जो कोल्ड ड्रिंक के कैंस हैं वो रख दिए हैं फ्रिज में, वो ठंडे हो जाएँ तो फिर वो हम करेंगे। सो दिस इज़ माई टेबल सेटअप। और क्योंकि लोग ज़्यादा हैं, 10-11 लोग हैं और हम दोनों को मिला के कोई 13-14 हो जाएंगे, तो हमने ऐसे बैठने का सेटअप कर लिया है। ये जो एक्स्ट्रा चेयर्स हैं ये हमारे काम आ जाएंगी, अब छोटे घरों में ऐसे ही मैनेज करना होता है। फिलहाल काफ़ी लेट हो रहा है, अब मैं बस जल्दी से तैयार होंगी। मैंने बस जल्दी जल्दी से बात ले लिया, फ्रेश हो गई और उसके बाद मैंने अपनी स्किन केयर की, क्योंकि मेकअप से पहले स्किन को अच्छे से प्रेप करना बहुत ज़रूरी होता है। वैसे मैं कोई भी खास मेकअप नहीं कर रही थी, जो मेरा एवरीडे मेकअप होता है कहीं भी आने जाने के लिए या कभी घर में तैयार होने का दिल चाहे, तो बस मैंने वही मेकअप किया था। डार्क सर्कल्स का शदीद प्रॉब्लम है मुझे, तो इसलिए बस मैंने कलर करेक्टर के बाद अपना कंसीलर लगाया और वही थोड़ा सा फेस पे भी लगा लिया था कंसीलर। यहाँ पे मैंने अपना लिक्विड ब्लश लगाया
आया है, बस उसके बाद मैं थोड़ा सा अपने आई को प्रोमिनेंट करने के लिए हल्का सा गोल्ड शिमर जो होता है वो लगा दूंगी, और उसके बाद मस्कारा तो कंपलसरी ही है। मस्कारा लगाने के बाद लिपस्टिक हाईलाइटर लगाएंगे और मैं हो जाऊंगी एकदम रेडी। फाउंडेशन, बीबी क्रीम, सीसी क्रीम, इस तरह की मैं कोई भी क्रीम नहीं लगाती हूँ और डेली बेसिस पे फाउंडेशन लगानी भी नहीं चाहिए। वैसे भी जब आप घर पे खुद होस्ट होते हैं तो बहुत ज्यादा हैवी मेकअप मुझे नहीं लगता कि अच्छा लगता है, क्योंकि आपको किचन में भी बार बार जाना होता है, सर्विंग वगैरह करनी होती है। बस अच्छे से आप प्रेजेंटेबल हो जाएं, और अगर आप अपनी स्किन केयर अच्छे से करते हैं, स्किन अगर आपकी अच्छी है तो आपको फाउंडेशन या किसी भी तरह की कोई लेयरिंग करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। मैं तैयार हो गई हूँ और ऑलमोस्ट टेबल भी सेट है, बस इस तरह थोड़ी बहुत चीजें और मैंने मैनेज करनी है, जैसे ये टिश्यू बॉक्स मैं यहाँ रखूंगी, और ये क्या किया है, ये हमारे मियाँ जी ने किया है। कैंडल मैं यहाँ अभी बर्न करूंगी, ये मैं वॉशरूम में बर्न करने के लिए लेके जा रही हूँ, और बाकी किचन का सीन मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ और मैं तैयार भी हो चुकी हूँ। ये मेरा है पूरा लुक। अब टाइम नहीं है, 10-15 मिनट में वो लोग आ जाएंगे, तो बस मैं जल्दी जल्दी से सारे काम करूंगी। ये वाली कैंडल मैंने यहाँ रख दी है, मैं जरा फ्लावर्स की सेटिंग कर लूँ ऐसे, और ये वाली कैंडल मैं अभी वॉशरूम में जाके रखूंगी, क्योंकि जब गेस्ट आते हैं ना तो मैं वॉशरूम में भी कैंडल रख देती हूँ। वैसे तो डिफ्यूज़र्स वगैरह रखे हुए होते हैं, बट स्टिल कैंडल भी अच्छी लगती है। क्विक अपडेट किचन की, मेरे जो कोटेड चिकन है वो यहाँ पे एयर फ्राई हो गई है, मैंने इसको यहाँ पे रख दिया है। कर्ली फ्राइज हो रहे हैं एयर फ्राई, और सालन तो मैं आप लोगों को दिखा चुकी हूँ, पुलाव का दम लग गया है और पता नहीं कैसे बने होंगे। बिस्मिल्लाह, ओ हो 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 हो, पानी बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं हुआ है, एकदम खड़े खड़े ज़बरदस्त सा हमारा पुलाव रेडी हो गया है, माशाल्लाह माशाल्लाह। और ये मैंने बहुत बड़ी पतीली में बनाया है, काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में बनाया है, बट थैंक गॉड अच्छा बन गया है। सो पुलाव इज़ रेडी, और ये अब इतना गर्म ही रहेगा कि हम आराम से इसको डायरेक्ट डिश में निकाल लेंगे तो ये फ्रेश रहेगा। और इसके अलावा सालन मैं दोनों चूल्हों पर गर्म कर लूँगी, लेकिन फ़िलहाल मैं अपने सीख कबाब बनाने रखूँगी। और ये थी मेरी छोटी सी दावत की टेबल। आई होप आप लोगों को पसंद आई हो, गेस्ट्स को खाना बहुत पसंद आया था, और मैंने अभी तक इतने बड़े लेवल की दावत यहाँ यूके में नहीं की थी। छोटी मोटी फैमिलीज़ को तो मैंने होस्ट किया था, बट ऐसे एक बड़े लेवल की दावत मैंने पहली बार की और मुझे बहुत अच्छा लगा। खाना खाने से फ्री होने के बाद फिर मैंने ठंडा ठंडा मीठा भी सर्व किया था चाय के साथ। आई होप आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा। अगर पसंद आया ये व्लॉग तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह सब बहुत अच्छे से हो गया और सब चले गए। अब जो है वो समेटना समूटना है, काफ़ी थकन हो गई है मुझे, चाय वाय का सेशन भी चला, मैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सबको खाना वाना बहुत अच्छा लगा, और ये मेरी हालत हो चुकी है अब। और मैंने नहीं खाया था, सिर्फ चखम चुकी की थी, अब मैं ज़रा थोड़ा सुकून से खाना खाऊंगी, उसके बाद सबको समेटूंगी और सो जाऊंगी, या फिर मैं शायद इतना थक गई हूँ कि शायद खाना खा के मैं सो ही जाऊँ और कल सुबह समेटूँ। जो फ्रिज में रखने वाली चीज़ें हैं वो थोड़ा बहुत लेफ्ट ओवर है,
थोड़ा बहुत मैंने उन लोगों को साथ ले जाने के लिए दे दिया, थोड़ा अपने लिए रख लिया। तो बस व्लॉग यहीं तक था। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा आप लोगों को मेरी दावत टेबल कैसी लगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।